बस हम लोग स्टार्ट कर। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसका टॉपिक है अग्निपथ स्कीम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े और थोड़ा लेट होने के बावजूद भी हमसे जुड़े रहे। और जो आज का हमारा सीधे टॉपिक पे आते हैं, आज के इस टॉपिक पे अग्निपथ स्कीम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इसके बारे में और फिर हम जान लेंगे पहले कि हमारे जो इस डिस्कशन का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ और किन बातों पे होगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पता है, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनमें लगातार समय के बदलने के साथ ही हमारी सेनाओं में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है और इसी कड़ी में हम लोग मॉडर्नाइजेशन का रुख अपनाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में हम देख सकते हैं कुछ सालों में लगातार ही परिवर्तन देखने को मिला है और जैसे कि आपके सामने आपके एग्जाम्पल है कुछ इसी कड़ी में कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन हुआ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है उसको बनाया गया और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ तीन मतलब एक बनाया गया ताकि तीनों सेनाएं मिलके काम कर सकें और अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सकें। इसी कड़ी में लगातार हमारी सेनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं और विगत पिछले 2 दिनों 2-3 दिनों में ये जो ऑफिशियल टूर ऑफ ड्यूटी का जो स्कीम है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, उसको लॉन्च किया गया है और लॉन्च होने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इसके दोनों पहलू सामने नजर आ रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमारी आर्मी और हमारे सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा स्कीम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ में लोगों को मौका मिलेगा और देशभक्ति से ओतप्रोत जो नौजवान है हमारे वो सेनाओं में जाएंगे और वहां से कुछ सीखेंगे और फिर वापस हमारी जो सिविलियंस हैं उनके बीच में आके एक ज्यादा अनुभव का और ज्यादा समझ उनमें विकसित होगी और वो अपना काम भी कर सकते हैं। इसी इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी देखे जा रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है देश के अलग अलग जगहों पे, जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इससे विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र कहीं कहीं पे हो जा रहा है। तो इन सारे मसलों पे हम आज के इस व्याख्यान में बात करेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। पहले हमारे गेस्ट हैं राहुल वानखेड़े जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से एमए के स्टूडेंट हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जो दूसरे हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, शुभम गुप्ता जी, जो हमारे अभी ये जो है वर्तमान में एमएससी कर रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज के इस व्याख्यान में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा शुभम जी से ही रहेगा कि मैं जानना चाहूंगा शुभम जी, एक बार हमारे दर्शकों को जो ये स्कीम है अग्निपथ स्कीम उसके बारे में एक शॉर्ट में आप वर्णन कर दीजिए कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है, और कृपया थोड़ा नॉइस आ रहा है उसको माइक के पास से बोलने का। जी हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
जैसे कि सरकार ने 2-3 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ के नाम से, और सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू सेना में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। दरअसल इस स्कीम को लाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारतीय सेना के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसको तेज किया जा सके, और उसके साथ ही साथ एक ऐसे युवाओं को इसके अंदर प्रशिक्षित किया जा सके जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत हो और यहां से आगे बढ़ के जो है वह देश सेवा में अपना अलग अलग तरीके से योगदान दे सके। सरकार ने इस स्कीम के तहत अपनी बातों को क्लियर किया है और बताया है कि हर साल इसके अंतर्गत 45,000 से लेकर 50,000 युवाओं को हर साल सेना में भर्ती किया जाएगा। उनका जो कार्यकाल पीरियड होगा वो 4 साल के लिए होगा। इसके तहत भारतीय सेना इन सभी युवाओं को प्रशिक्षण देगी और उसके साथ ही साथ जो भी उनकी नीड्स है उसको पूरा करने का काम करेगी। सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करने वाली बात जो है यहाँ पर वो ये है कि ये जो भी भर्तियां होंगी ये ऑफिसर रैंक के नीचे के लिए होंगी, और उसके साथ ही साथ जो भी जो युवा हैं 4 साल बाद अपनी सर्विस को यहाँ पर पूरा कर लेंगे उन सभी युवाओं में से लगभग 25% युवाओं को सरकार सेना में आने वाले 15 सालों के लिए परमानेंट कमीशन प्रोवाइड कराएगी। इसके तहत सरकार ने बहुत सारे इसके अंतर्गत जो रूल्स हैं उसको जारी किया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी अग्निपथ के जो नियम हैं वो लागू नहीं हो पाए हैं। इसको लेके युवाओं में कई प्रकार के अंदेशे भी हैं, लेकिन अगर हम कम शब्दों में अगर कहें तो अभी इसके ऊपर पूरी तरह से जो वो क्लियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अभी जानकारी है वो सिर्फ इतनी है कि 4 साल के लिए जो है इसके अंतर्गत युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। धन्यवाद शिवम जी। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा और राहुल जी से मैं बात करना चाहूंगा। राहुल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ऑडिबल है। आवाज आ सर, आपके क्या विचार हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेके, और ये स्कीम कैसा रहेगा हमारे युवाओं के लिए? रही है? और मतलब देखने को मिल रहा है, हम सभी देख सकते हैं कि काफी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने जैसे इस योजना को हमारे सामने लाया, तो आपको क्या लगता है ये स्कीम कैसी है हमारे नौजवानों के? ओके, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट पृथ्वी भाई फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अब देखिए, जब भी कोई स्कीम बनती है, अब भले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कुछ भी कहा गया हो, द स्कीम हैज बीन मेड टू बेनिफिट द मिलिट्री एंड नॉट फॉर सोशल सर्विस। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि डिसिप्लिन युवा बनेंगे, फिर 4 साल बाद बाहर आके देश का भला होगा, दीज आर जस्ट शुगर कोटेड वर्ड्स। फोर्स का मॉडर्नाइजेशन होगा, ये बहुत पहले से तय था, कारगिल के समय से ही। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ यह है कि संख्या जितनी कम हो, एक मिनिमम बट सस्टेनेबल अमाउंट में संख्या रखी जाए। 13-14 लाख की सेना हमें आज के टाइम पे नहीं चाहिए, तो जितनी भी बचेगी, मान लीजिए 7 लाख सैनिक हमारे पास बच जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी कम हो, ये इसके पीछे का आइडिया था। अब ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज दुनिया में वॉरफेयर जिस तरह से बदल रहा है, चाइना ने भी किया है, रशिया ने भी किया है, इसराइल और यूएस भी ये करता है। सो जो फोकस है वो है कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस है। इवन आप देखिए, एयरफोर्स और नेवी में ये ज्यादा होता है, वो ह्यूमैनिटीज के बंदों को इतना रिक्रूट नहीं करते हैं, दे नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वॉरफेयर बदल रहा है। अब इस स्कीम का क्या फंडा है कि ऑफिसर्स एंट्री के लिए तो ये है नहीं। ऑफिसर्स एंट्री में आपका एनसीसी है, CDS, FCAT, NDA, ये सब चीजें हैं। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि सिर्फ आर्मी का अगर आप देखें, अभी के लिए 13 लाख लोगों की आर्मी है, उसमें से सिर्फ 4% ऑफिसर्स है, मतलब 96%, 97 आपके पास लगभग जवान, अदर रैंक से JCO, ये लोग हैं। तो ऑब्वियसली इनकी सैलरीज और इनके पेंशन में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हर साल या 5 साल का जो बजट दिया जाता है, सेनाओं को कहा गया कि इसी बजट में से अपना सैलरी का खर्चा निकालो, पेंशन भी इसी में से करो, और जो हथियार खरीदने हैं, बनाने, वो इसी फंड में से आप करिए। अब होता ये था कि मोर देन 50-60% यूज टू गो इन जस्ट सैलरीज एंड पेंशन। तो अब इनके सामने सवाल ये खड़ा हुआ कि यार फोर्स को मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, ना इक्विपमेंट खरीदने को पैसा कम पड़ रहा है,
सो वॉट आर दी थिंग्स दैट कुड बी डन. सो दैट वॉज द मेन रीजन की ये स्कीम बनाई गई. अब 4 साल के लिए अगर आप इनका डॉक्यूमेंट देखें तो जो इन हैंड आपके हाथ में एक्चुअल सैलरी आने वाली है वो 30,000 रुपए नहीं है, वो लगभग 20-25,000 आएगी. ठीक है, फिर 4 साल बाद जब आप सर्विस छोड़ोगे तो आपको 11.71 बोला है, लगभग 12 लाख रुपए आपको मिला. उसके बाद आपके स्किल सेट पे डिपेंड है कि बाहर जाके आपका क्या होगा. उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है आपके प्रति, आप उनको कोर्ट में जाके बोल नहीं पाओगे कि आपने हमें बाद में रीसेटल नहीं किया या रिहैबिलिटेट नहीं किया. दूसरी बात, आपको सेना के जो अभी के रैंक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जवान, हवालदार, सूबेदार, ये रैंक नहीं मिलने वाली उन 4 सालों में. आपको अलग से रैंक दिया जाएगा, उसमें से 25% एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स अंदर कमीशन होंगे 15 साल की सर्विस के लिए. अब वो 15 साल और ये 4 साल टोटल हो गए 19. जबकि सेना में रूल ये है कि पेंशन अगर चाहिए तो 20 ईयर्स सर्विस कंपलसरी है, तो वो 1 साल का गैप उन्होंने रखा है. तो जिनको 15 साल के लिए रख लेंगे उनको भी आगे जाके पेंशन मिलेगी, ये नहीं होने वाला है. बिकॉज एज पर माई नॉलेज 20 ईयर्स आपका सर्विस होना चाहिए. ठीक है, सो ओवरऑल ये कॉस्ट कटिंग एक मेजर है. लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक पहला बैच अंदर जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा. अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पर अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ओवरऑल इस गवर्नमेंट का 2014 से जो स्ट्रेटेजी आप देखो, पॉलिसी ये लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. अभी प्रोटेस्ट होने के बाद दे सेड कि इग्नू आपको डिग्री देगा, हम एज लिमिट 23 तक बढ़ा रहे हैं. तो भाई ये बात आप पहले दिन बता सकते थे, इतना दंगा फसाद नहीं होता. तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है. अब हुआ ये कि अदर रैंक्स की जो भर्तियां हैं वो SSB से नहीं होती है, वो रैली होगी, उनका अपना प्रोसीजर होता है जो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है. वायरस के कारण, पैंडेमिक के कारण 2 साल से वो बंद था. जहां कहीं भी हुआ होगा उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, और सडनली एक दिन आप आके ट्विटर पे अनाउंस करते हो कि दोज रिजल्ट्स आर कैंसल्ड, उसका कुछ नहीं, अभी हम इस नए स्कीम से रिक्रूट करेंगे. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अभी आपको दिख रही है सड़क पे निकलते हुए. नाउ दैट इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि दंगा करने वाले सारे एस्पिरेंट्स नहीं है, उसमें कुछ अदर टाइप के भी लोग हैं. तो उनके लिए भी अगर हम एक लाइन में कह दें तो भाई अगर आप पर FIR लग गई, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो सेना तो छोड़ो, आपको सिविल में भी नौकरी नहीं मिलेगी सरकार में, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है. सो जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, हाँ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, बट ऐसे अगर प्रॉपर्टी वगैरह जलाओगे तो जो मौका हाथ में है वो भी निकल जाएगा. तो बेसिकली ऐसा है स्कीम. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी. एक बार मैं फिर शुभम जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि शुभम जी सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी आवाज आ रही है. आपको क्या लगता है कि आई थिंक आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपको क्या लगता है कि जो युवाओं का कहना है और कुछ रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, मैं उनका व्याख्यान सुन रहा था और उनका ये कहना है कि जो ये स्कीम बताया जा रहा है कि जब रिटायर होंगे 1 साल बाद आएंगे वापस से तो उनको सर्टिफिकेट दी जाएंगी और उनको वापस से कहीं ना कहीं रिक्रूट कर लिया जाएगा, तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये ऐसा होने वाला है? क्योंकि पॉलिसी तो बन जाती हैं और बोलना एक बात होता है, बट ग्राउंड पे जो रियलिटी होती है, जैसा आप देख सकते हैं कि जो सेना से रिटायर्ड लोग होते हैं वो कहीं बैंक के बाहर गार्ड की नौकरी करते हैं, ठीक है, और ऐसी ऐसी मतलब नौकरियां उनको करनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की फील्ड जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता इजीली. तो आपको क्या लगता है इस पे, आपके क्या विचार है? एक बार अपना नॉइस आपकी साइड से आ रहा है उसको माइक के पास. देखिए ऐसा है कि जैसे अभी राहुल जी ने जैसा क्या कहा कि मैं इसके साथ पूरी तरह से मतलब सहमत हूँ. मेन बात यह है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि 4 ईयर्स ऑफ जो ट्रेनिंग करा रही है मिलिट्री, इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन जैसे सरकार कह रही है कि उन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में नौकरी मिलेगी, तो हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि सेक्टर्स किस टाइप के हैं. मिलिट्री में जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो वेपन्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, आर्टिलरी हो गया या फिर गन फायरिंग हो गई या फिर एयर डिफेंस हो गया, रडार हो गया, इस टाइप की ट्रेनिंग कराई जाती है. 4 साल बाद जब वही युवा ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो हम उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड के वेपन AK-47 या फिर टैंक्स या फिर
एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग हम बिल्कुल भी इस बात से कह नहीं सकते कि ये ट्रेनिंग किसी भी टेक्निकल जगह पे यूज होती होगी। तो ये जो एक ड्रॉबैक है, ये हर जगह रिलाई करेगा ही करेगा। और इससे बेटर हम ये, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमको पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि अभी तक सेना से जितने भी लोग रिटायर हुए हैं उनको कहाँ कहाँ नौकरियां मिली हैं। आप देखिए कि जितने भी लोग रिटायर होते हैं, अधिकतर वो जैसे आपने कहा भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं या कहीं दूसरी जगह किसी सेंट्रल पुलिस फोर्स में या फिर आर्म फोर्सेस में फिर से एक बार ट्राई करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, वहां पर अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकें। जबकि ये वही सोल्जर्स हैं जिन्होंने मिलिट्री में अपने 15 साल 20 साल या 35 साल के करियर में हाईटेक से हाईटेक वेपन्स को डील किया हुआ है। तो जब एक ऐसा सोल्जर जो ऑलरेडी 15-20 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो इतना ज्यादा ट्रेंड है, जब वो सिविल में आता है उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो जो युवा हैं जो 4 साल के पीरियड पे जा रहे हैं आर्मी में ट्रेनिंग करने के लिए, उनको नौकरी किस प्रकार से मिलेगी, उनके सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी युवाओं की भर्ती होगी वो लगभग 17.5 साल से लेके 21 साल तक के लिए होगी। और अभी कुछ दिन पहले जो भारी विरोध हुआ है इसको लेके, तो उसके तहत सरकार ने जो है 1 सालों के लिए जो है जो आयु सीमा उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 17.5 साल की उम्र में कोई युवा जो है वो फौज में भर्ती होता है और लगभग 21.5 साल की उम्र में वो फौज से बाहर आता है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि 12th पास होने के बाद जो उसका 4 साल गया है, 4 साल का जो पीरियड उसने आर्मी में बिताया, जो सर्टिफिकेट लेकर आया है, तो 12th पास तो उस सर्टिफिकेट की क्या मान्यता होगी। मिलिट्री में तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि वहां पर उन्हें वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि सिविल क्षेत्र में आके वो नहीं चला सकते हैं, तो यहां पर उनके सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर हम जनरल कंडीशंस में देखें तो एक बच्चा जो बीटेक किया हुआ है, चाहे एमए किया हुआ है, चाहे एमएससी किया हुआ है, जिसके पास टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल डिग्री है, वो भी आज लगभग 10,000-15,000 की नौकरी के लिए कहीं ना कहीं मतलब भटक ही रहे हैं। कहीं अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपकी डिग्री क्या है। तो यह जो डिग्री है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और 12th के बाद अगर वो सीधे सेना में जाते हैं तो डिग्री का जो गैप है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात रहेगी कि एक गवर्नमेंट उनके पास वेरिफिकेशन होगा कि हाँ वो कहीं से ट्रेंड है, मतलब सेंट्रल आर्म फोर्सेस से ट्रेंड है या फिर आर्मी से ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेनिंग का यूज क्या है सिविल सेक्टर में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। शुभम जी, न्यूज देख रहा था मैं और बात आ रही थी कि जो यहाँ से निकलेंगे उनको CAPF में भी भर्ती किए जाने की संभावना है, तो क्या ऐसा मतलब होगा या फिर ये बस ऐसे नहीं? जैसे सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, बिहार सरकार हो गई, इनके तहत कहा गया है कि जो स्टेट पुलिस सर्विसेज हैं उसमें इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट के द्वारा कहा भी गया है कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस और असम राइफल्स जो है वहां पर इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी के साथ ही साथ हमें यह देखने की जरूरत है कि और भी जो युवा हैं, जो मतलब जो पुराने युवा है जो काफी लंबे समय से तैयारी वगैरह कर रहे हैं इसकी, उनका क्या। सरकार ने सीधे सीधे इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है कि हम जो है एक टूर ऑफ ड्यूटी जो है उसको अनाउंस कर रहे हैं अग्निपथ बोल के, जहां पर जो है युवाओं को हम ट्रेन करेंगे ताकि वो मतलब आगे चल के जो है मिलिट्री में अपना योगदान दे सकें। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कभी भी टूर के साथ ड्यूटी नहीं होती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कभी भी टूर के साथ ड्यूटी नहीं होती है, तो क्या 4 साल में वाकई में ये एक ड्यूटी का जज्बा उनके अंदर जनरेट हो पाएगा? अगर हम पूरा का पूरा अग्निवीर का अग्निपथ का अगर हम मैनुअल पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके साथ 1 साल की छुट्टी है, तो 4 सालों में तो 1.5 साल तो इसी में चले जा रहे हैं, बचा 2.5 साल। तो क्या 2.5 साल के अंदर वो जज्बा क्रिएट हो सकता है? इस 2.5 साल में अगर ऐसा ना हो कि हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर लग जाए, तो क्या बॉर्डर पे गया हुआ वो जो सैनिक है वो ये सोचेगा कि हमें जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने देश के लिए गोली चलानी है, या फिर वो ये सोचेगा कि 4 साल का जो पीरियड है, ठीक है, जहां पर हम एक कह सकते हैं कि इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं जो सैनिक गए हुए हैं हर महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, उनके रिटायरमेंट के हिसाब से, 4 साल बाद उनकी सर्विस ओवर होगी, उसके हिसाब से जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन्हें, तो क्या उस इंसेंटिव को लेके मैं 4 साल मैं वाकई में इनसे लड़ू, या फिर 4 साल बाद मैं ये देखूं कि मुझे कोई दूसरी नौकरी देखनी है? तो यहां पर ये फैक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग धैर्य रखें, मैं राहुल जी से बात करूंगा और उसके बाद तुरंत आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यूएस की, जैसे टूर ऑफ ड्यूटी की हम लोग बात कर रहे हैं, और यूएस में ये है कि जब उन्हें इराक में अपने सैनिकों को भेजना होता है या अफगानिस्तान में भेजना होता है, तो उनके 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 यहाँ टूर ऑफ ड्यूटी करके ये मतलब ये 2 साल से 6 साल तक की जो भी रजिस्ट्री नहीं करे, पैसे लगा मांगा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्री अभी तक नहीं करते सर माइक। तो राहुल जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी का जो ये मतलब औचित्य है, क्या ये सही है यहाँ पे? देखिए, सही है या नहीं ये तो समय के साथ ही पता लगेगा। हम आपके पहले सवाल पे वापस चलते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है अमेरिकन मिलिट्री में और हम में कि वो एक्सपेडिशनरी फोर्स है, वो दूसरे के देश में जाके इंटरवीन करना और वो सब हरकतों के लिए जानी जाती है। अब उनका क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ है वियतनाम को लेके, इराक को लेके, सूजी लगा हकत है, सूजी लगा दे। तो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो दरअसल जी अभी ठीक है। सो देखिए, अमेरिकन आर्मी को ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना जाए, चुपचाप अपना काम करें, ऑपरेशंस में जाए किसी भी देश में कैसे भी करके, एंड व्हेन दे कम बैक सैलरी लो एंड डोंट गो इन सिविल लाइफ एंड टेल देम कि वहां क्या किया था। जबकि इंडिया का मिलिट्री माइंडसेट अलग है, मोस्टली डिफेंसिव आर्मी रही है, तो जनरली ये माना जाता है मॉडर्नाइज जब करते हैं या कुछ नया चेंज लाना है, तो अमेरिका का मॉडल ले लिया, यूके का ले लिया, फिर उस मॉडल को ट्राई करते कि यहाँ फिट किया जाए, वो कई बार बैठ नहीं पाता है। जैसे इंटेलिजेंस कम्युनिटीज के साथ किया गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी हमने वहां का देख के बनाया, अब उसमें इश्यूज है। सो आइडिया लेवल पे तो हम बना लेते हैं, बट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में उसे फिट करना थोड़ा मुश्किल है। अब दो एस्पेक्ट है इसमें। द लेट जनरल बिपिन रावत हैड सेड इन एन इंटरव्यू कि मेरी जो सेना है वो कोई रोजगार गारंटी की योजना नहीं है, जिसमें दम है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकी बाहर ही रहो तो बेहतर है। बट दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखिए कि कैंडिडेट इस नजर से आपको देखता है क्या? ठीक है, SSB में भी मैंने भी SSBs दिए हैं आने को, मेरा रिकमेंडेशन भी जब हुआ था, एवरीबडी टेल्स द इंटरव्यूइंग ऑफिसर की देशभक्ति है, सर्विस करना ये वो, बट एट द बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि भाई 70,000 रुपए मिलेंगे पहले महीने से, पेंशन मिलेगी, पता होता है कि घर वालों का ध्यान रखा जाएगा, ये रियल एस्पेक्ट है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। IAS IPS इंटरव्यूज में भी यही होता है, देश का जज्बा, सर्विस देनी है, सेवा करनी, ठीक है भाई, सेवा से पेट नहीं भरता ना तुम्हारा, पेट पैसे से भरता है, घर उसी से चलता है। सो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का जो एक इम्प्रेशन है माइंड में बहुत तगड़ा है, तो अचानक से जब आप उस परमानेंट सी सर्विस को, 20 साल भी एक काइंड ऑफ परमानेंट ही है, तो आप अचानक से जब कोई नया स्कीम इंट्रोड्यूस करोगे, तो इन बिटवीन जो ट्रांजिशन फेज है, चेंज स्टार्ट होने से लेके एस्टेब्लिश होने तक, ये अप्स एंड डाउन इसमें आएंगे, एंड एज यूजल ये डिपेंड करेगा कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। जैसा शुभम भाई ने बोला, 17.5 से 21 साल तक की लिमिट है, यानी बच्चा 10वीं 12वीं करके आएगा, आप चाहते हो कि आपको ज्वाइन करे, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स में इश्यूज होने वाले हैं, और उसके बाद 21 के बाद वो बाहर आ जाएगा, उसके पास इग्नू का या NIOS जो ओपन स्कूलिंग है उनका एक छोटा सा सर्टिफिकेट होगा स्किल डेवलपमेंट का, अब उसके बेस पे उसे कौन सी नौकरी आप देने वाले हैं। ऊपर ऊपर से उन्होंने बताया है, क्योंकि एक बात ये भी है कि कुछ कंपनीज है, टाटा है, एक्सेंचर हो गई, जो एक सर्विसमैन को रिक्रूट करती है अपने जॉब्स में, फिर वॉचमैन या सिक्योरिटी में नहीं बट स्किल बेस्ड, बट ऐसी कंपनियां भी कितना रिक्रूट कर पाएंगी हर साल, उन्हें भाई अपना कंपनी भी तो चलाना है, वो थोड़ी ना आपके बंदों को नौकरी देते बैठेंगे, तो इस पर कोई श्योर शॉट क्लेम नहीं है। दूसरी तरफ जो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है ऑफिसर्स के लिए, उन्हें IITs भेजते हैं, IIM भेजते हैं, वहां से कोर्सेस कराते हैं, तब जाके उन्हें कॉरपोरेट पिकअप करता है, तो ऑफिसर और जवान की लाइफ का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सो अभी देखिए, अगर प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप कहेंगे, तो इन बंदों को उतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि आगे जाके क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट कटिंग की नज़र से, सेना की नज़र से देखोगे तो स्कीम बहुत बढ़िया है कि भाई 4 साल ही पैसा देना है, उसके बाद परमानेंट बाय बाय बोलना है, बात खत्म। बट कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो इतना फ्रूटफुल ये स्कीम नहीं है, स्पेशली उन बंदों को जो बहुत कम अवेयरनेस रखते हैं, जिन्हें इतना जानकारी का एक्सेस नहीं है कि भाई यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊँगा। शुभम भाई ने सही कहा कि 4 साल आप नौकरी करोगे या बाहर की अपना सोचोगे कि इसके आगे क्या करना है,
और इसको एक आखिरी पॉइंट मैं बता दूं कि जो थिएटर कमांड्स बनाने हैं हमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, उसमें सारे एसेट सब मिक्स होगा, तो जो लोअर रैंक्स है उनके पास ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, बट दे वुड हैव टू डू अ लेसर अमाउंट ऑफ वर्क लेट से। सो अथॉरिटी ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी काम हो साथ मिलके और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। तो शायद वो थिएटर कमांड वाली बात ध्यान में रखते हुए ये नया चेंज लाया है, और जैसे इन्होंने बोला है कि 46,000 वैकेंसीज होंगी फर्स्ट ईयर में, सो अब देखते हैं कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स का क्या होता है, बिकॉज कम से कम 4 साल बाद आपको पता लगने वाला है कि इफेक्ट क्या है इसका। सो असली रिजल्ट के लिए तब तक यू विल हैव टू वेट। इसी के साथ हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है और चाइना है, COVID-19 के बाद से ज़्यादातर विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसको नुकसान हुई है। बहुत सारे देश, जैसे कि हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनकी इकोनॉमी लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गई है, और ऐसे में काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हो जाए या श्रीलंका में ऐसी कुछ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए। चाइना की बात अगर हम करें तो लगातार चाइना की जो गतिविधियां हैं हमारे बॉर्डर्स पे वो बढ़ती जा रही हैं, और अभी कल की बात करें तो चाइना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे में क्या ये ऐसे नई स्कीम्स को लाना और इस लाने के बावजूद भी जो हमारा एक मनोबल, जो मोरल होता है आर्मी का, वही सबसे बड़ा हथियार होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है कि जो सेना के जो लोग जाएंगे उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिर गया है, कह सकते हैं कि आप कम हो गया है। तो इस अनस्टेबिलिटी के बाद जो हमारे जवान जाएंगे और ये जो हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा जो परिस्थिति क्रिएट की जा रही है उसको काउंटर करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, राहुल जी मैं जानना, तो कृपया आप अपने विचार इस पे रखें। इसके बाद शुभम जी भी अपने विचार रखेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा आपसे भी, तो कृपया राहुल जी। हेलो पृथ्वी भाई, रिपीट करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन ये था हमारा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे प्रति आक्रामक कार्यवाही है, ठीक है, वो अपनी बॉर्डर्स पे गतिविधियां कर रहे हैं, आक्रामक गतिविधियों को कर रहे हैं, इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में भी वो चाइना जो है वो अपना उसकी गतिविधियां चल रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स लॉन्च कर रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो भारतीय सैनिकों का जो मोरल है, मनोबल है, वो कहीं ना कहीं इस स्कीम की वजह से ऐसा लगता है कि गिर रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा इस चीज पर? मैं यही जानता नहीं पृथ्वी भाई, लाइक डायरेक्टली एज सच को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखिए नए रिक्रूटमेंट पर इसका असर होने वाला है, जो एग्जिस्टिंग जवान है। अब जैसे मान लीजिए कल स्कीम आई थी, परसों तक जो जवान रिक्रूट हो चुका है वो तो 30-40 साल बाद ही रिटायर होगा, तो आपके पास अगले 30 साल तक तो ऐसा बंदा है जो आपके लिए काम करेगा, सो वो वरी वाला एस्पेक्ट नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट कब होगा, जब द एंटायर जवान स्ट्रक्चर, द एंटायर बिलो ऑफिसर रैंक स्ट्रक्चर विल बी मेड ऑफ अग्निवीर्स, तब आपको असली में पता लगेगा कि ये स्कीम काम कर रही है। अब जो हमारे नेबर्स कर रहे हैं, स्पेशली चाइना की अगर आप बात करें, वो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब अगर आप PIB का डॉक्यूमेंट देखिए, अग्निवीर का जो आया है, वेबसाइट की थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा ITI के बंदों को जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया, जिन्होंने शॉप लेवल पे ग्राउंड पे काम किया। ITI में 3 साल का जो ट्रेनिंग है, आपको बेसिक लेवल की टेक्निकल स्किल्स, छोटी छोटी चीज़ें, कारपेंट्री करना, अप्रेंटिस है वो फिटिंग करना, मशीनिस्ट का काम करना, ये सब सिखाया जाता है। सो आर्मी का अभी ये है कि टेक्निकल पे आप ज़्यादा फोकस करिए, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो, आर्मी एजुकेशन को और एक एंट्री होती थी पहले PAMA वालों के लिए, वो बंद कर दी गई। एयरफोर्स में भी आप FCAT में देखिए, जो BCOM वालों का एंट्री होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो ये अब तीनों सर्विसेज में होने लगा है। अब ऑफिसर्स का कैसा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, थोड़ी
आपकी एलो टेक्निकल समझ ज्यादा हो सकती है, तो उनका स्किल सेट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। द मेन इशू इज कि ये जो नीचे के 10-12 लाख लोग हैं, इन्हें स्किल्स इक्विप कैसे किया जाए। तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस स्कीम। इसलिए उनके मोरल पे ऐसा कोई डेंट होगा ये हम नहीं कह सकते। तो एटलीस्ट जैसे मैंने बोला अपने टीम काम कर तो देखिए मोरल पे ऐसा कोई असर नहीं होगा, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग जवानों का स्ट्रक्चर है, JCOs है हमारा, उन्हें भी ये बात पता है कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगा। तो फॉर द नेक्स्ट 30 years यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट ये जो बंदे आपके पास 25% आप कह रहे हो, वी विल रिटेन देम, इनको फिर आप आगे कितना एक्सपर्टीज देते हो? बिकॉज दे आर नो डिफरेंट एट द एंड ऑफ 4 years फ्रॉम दोज पीपल हु आर गोइंग आउट। लेवल तो सेम है, ओनली डिफरेंस इज ये अंदर होंगे ये बाहर होंगे। तो इनको रिटेन करने के बाद इनको आप कौन सी डिग्री देते हो, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। इनका अपग्रेडेशन आप कैसे करते हो, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड। तो 40,000 में से हर साल जो 25% अंदर रह जाएंगे, वो बंदे डिसाइड करेंगे कि 10-20 साल बाद अगर 2 फ्रंट वॉर होती है या 3 फ्रंट वॉर होती है, आपकी सेना कैपेबल है या नहीं। तब इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सारे एसेट्स मर्ज्ड होंगे, सारी अब देखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों अग्निवीर फॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिक्रूटमेंट पैटर्न भी एक जैसा होगा। अब इस फौज के साथ आप क्या करते हो, आर दे फाइटिंग कैपेबल, आर दे केपेबल इनफ टू फाइट अ वॉर, ये तब जाके पता लगेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव दे शुड फोकस ऑन दोस 25% की इनका आप करेंगे क्या 15 साल तक, हाउ विल यू यूज देम। जो बाकी बच्चे 75 है वो तो खैर कहीं ना कहीं अपना जॉब ढूंढ लेंगे, बट वो लायबिलिटी नहीं है। सेना ने आपको लिखित में नहीं दिया कि हम आपको रीसेटल करेंगे, जैसे ऑफिसर्स को करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो ये बंदे पे डिपेंड होगा और उसकी डिग्री पे। धन्यवाद। आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो पुराने सैनिक हैं उनपे इस चीज का मनोबल पे उनके उनके मनोबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी सैनिकों की, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल सकता है। शुभम जी, इस पे आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कृपया बताएं। पृथ्वी जी जैसा राहुल जी ने कहा है, तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक उदाहरण उठाते हैं, अभी कुछ सालों पहले जो गलवान में जो झड़प हुई थी हमारी चीनियों के साथ, तो 16 बिहार के जो कर्नल संतोष बाबू थे और उनके साथ के जो सैनिक थे, वह वहां पर लड़ने में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कामयाब हुए थे या फिर उनके अंदर विल पावर इसीलिए था क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वहां पर लड़ते हुए शहीद भी हुए तो पीछे एक मिलिट्री का एक सिस्टम है, ठीक है, जहां पेंशन सिस्टम है और दूसरी जो फैसिलिटी प्रोवाइड उनके परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। और अगर हम फिलहाल में देखें चाइना की तरफ से, तो चाइना भी लगातार उस एरिया में अपनी पकड़ को बनाए हुए है, लेकिन लगातार इतने हाइट पर उनके सैनिकों को वहां पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कारण से लगातार उन्हें अपनी सेना को रोटेशन में रखना पड़ रहा है, जबकि हमारे सैनिकों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीधा से सीधा कारण यह है कि जितने भी हमारे सैनिक हमारे पास हैं, एक परमानेंट सेट पे हैं और पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, लेकिन ये फैसिलिटी चाइनीज सोल्जर्स को प्रोवाइड नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अग्निवीर स्कीम के साथ अगर हम जाते हैं आर्मी की तरफ, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तो हमें बात समझ में आती है कि चार सालों का एक ट्रेनिंग पीरियड है और यहाँ पर सेना के द्वारा उन्हें किसी ना किसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में देखें जहां पर एयरफोर्स है और नेवी है, तो क्या वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अग्निवीर वाला कंसेप्ट वहां पर लागू हो पाएगा? अगर इसके तहत हम एयरफोर्स के किसी पायलट को भर्ती कर एयरफोर्स के किसी पायलट को लेते हैं या फिर लोअर ग्रेड के किसी एयरमैन को लेते हैं, तो क्या वो 4 सालों में वाकई में एरियल वॉरफेयर की टैक्टिक्स को पूरी तरीके से सीख पाएगा? क्या कोई नेवल अगर कोई सैनिक है तो क्या वो एक शिप के मेंटेनेंस के लिए लड़ाई के दौरान शिप किस तरीके से उसके मनूवर्स को लेके और उसके डिफरेंट टैक्टिक्स को लेके क्या वो 4 सालों में उस सभी जो भी स्किल्स हैं उसके ऊपर महारत हासिल कर पाएगा? तो सीधा जो जवाब आता है वो हमारे पास नहीं कहा आता है। और दूसरा अगर हम देखें तो अभी राहुल जी ने जैसे कहा कुछ समय पहले कि हमारे पूरे आर्मी में सिर्फ और सिर्फ 4% ऑफिसर्स हैं और बाकी 96% जो है वो लोअर ग्रेड के जो भी सैनिक हैं वो आते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जितने भी सैनिक हैं 96% जो सैनिक मिलके टोटल इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ को बना रहे हैं, वो सैनिक कहां से रहे हैं?
तो सबसे बड़ी बात जो है सारे के सारे जो सैनिक हैं वो आ रहे हैं गांवों से, जो हमारे गांव हो गए फिर देहात हो गए वहां से मैक्सिमम सैनिक आते हैं। और वहां पर जो सेना में होना एक बहुत बहुत ज्यादा गर्व की बात मानी जाती है। जब यह स्कीम लागू की गई है और इसे एक एज लिमिट के अंदर कर दिया गया है, और तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आगे के जो मतलब सैनिक ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं 24 साल 25 साल जिनकी उम्र हो गई है उनका क्या होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। आगे चल के अगर हम देखें प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की जो फौज की, जैसे राहुल जी ने कहा, तो प्रेजेंट की फौज पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आगे जाके इसका एक साइकोलॉजिकल असर जो है वो होगा। फिलहाल में अगर एक साल दो साल में हम देखते हैं, जैसा कि सेना में लगभग 1.5 लाख जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, क्योंकि हर साल 60,000 की रिटायरमेंट होती है और दो सालों में कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, तो कुल मिला के लगभग 1,500 सीट्स जो है वो सेना के अंदर खाली है। तो जब ये भरेंगी, और ये अगर हम ये मान के चलते हैं कि अग्निवीर कंसेप्ट के अंदर में भर्ती है, तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा, 10 सालों के भीतर ही भीतर हमको जो इसका दुष्परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में एक दुनिया में बड़ी लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो रशियन सैनिक है और यूक्रेनियन सैनिक है, कई ऐसा हो रहा है कि जो उनकी एक्टिव मिलिट्री है वो तो लड़ाई में काफी हद तक या तो घायल है या फिर शहीद है, तो जो वहां के सिविलियंस है उन्हें भर्ती किया जा रहा है। क्या वाकई में सिविलियंस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग है? और अगर सिविलियंस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग है भी, तो क्या उनके अंदर वो जज्बा है कि वाकई में वो अपने देश के लिए वहां पर लड़ाई लड़ सके? लड़ाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जारी है क्योंकि अमेरिकन द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा इन सभी देशों को बहुत ही ज्यादा हाईटेक वेपन्स दिए गए हैं। अगर ये हाईटेक वेपन्स यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड किए गए होते तो रशिया ने अब तक यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता। तो हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स की जगह जो वेपन्स हैं ये बहुत का हिस्सा हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी जो है वो दूसरे देशों की तरह जो अपने वेपनरी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रही है, और अल्टीमेटली जो फैक्टर आ जा रहा है वो मनी का ही फैक्टर आ जा रहा है। और ये जो मनी फैक्टर है ये हम मान के चल सकते हैं कि ये सेना के मनोबल पर और जो सैनिक का मनोबल है इन दोनों के ऊपर जो है एक गहरा असर डालेगी। बिल्कुल, धन्यवाद शुभम जी। मैं भी आपकी भी बातों से सहमत हूँ। अब जो है हम लोग इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ेंगे, और अब हम लोग जो हमारे दर्शक हैं उनमें से कुछ लोगों का सवाल है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो इसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, और हमारे आप जो है हमारे गेस्ट स्पीकर से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले आपने हैंड रेज किया है राहुल जी, कृपया पूछेंगे आप। ओके, पूछे राहुल जी, सुन पा रहा हूँ। हेलो, ऑडिबल टू यू ऑल? या ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नॉर्थ बंगाल सेंट जेवियर्स कॉलेज। सो माय सिंपल क्वेश्चन टू आवर स्टीम दिस पैनलिस्ट हु एक्चुअली हैव गिवन देयर अ वेरी गुड लेक्चर। सो माय क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट, सिंस गवर्नमेंट हैज केम अप विद स्कीम दैट्स कॉल्ड अग्निपथ स्कीम, but after 4 years of their this scheme, 70% of the candidates they are supposed to retire. But do you think from the realistic perspective, this 75% actually will create a big impact as far as your national security is concerned? Take for example, if there will be an insurgence in India, internal insurgence or whatever the international terrorist groups are there, suppose they will be recruiting or they will take this 75% in their coup, then what how actually India will deal with this particular situation? So would you highlight on that particular aspect? Ji, ye question ka answer main Rahul ji ke answer ki. Rahul sir, see, there won't be any big impact as such, because let's be clear about two things. Number one, this is a voluntary scheme, right? So people have a choice of not joining the military. They survive karni hai, there are many options.
Second, this is not about officers' entry, but only a small section, which is the defense entry part of Jawans and other ranks. And the third aspect is once the candidate is out, as I mentioned before, the military or Minister of Defense has no liability absolutely towards you. At the most, they are giving you a skill-based certificate. Based on that and based on whatever bank balance remains in your account, what you do, where you go, or what skills you study, it totally depends on the candidate. As far as the social impact is concerned, let's say an entire batch of 30,000-40,000 people come out. Definitely, they will be in some aspect better than their civilian counterpart. In some other aspect, especially education and degree level of education, they'll be lagging behind. So as of now, it will be very premature to even predict like what social impact they may create. But one thing we can be sure about is this lot of people, this group of people will be disciplined enough. They may not indulge so much in anti-national activities, and they'll be at least a little bit qualified enough to respond. Let's say if a disaster happens, there is a natural disaster happening. You'll have a talent pool, just a swimming pool. You'll have a talent pool ready to help. Like today, ex-servicemen are being used for training NCC cadet. So you will have a different kind of a population, I would say, one aspect of that. But as such, I don't see any adverse impact or these people joining terror groups or insurgent groups. That will not happen. Because being government servants, you have to sign certain documents and agreements that you cannot break even after retirement. So we do not need to worry about it. Thank you, Rahulji. I think that was my question. Thank you, Rahul. But one thing I just wanted to add that within this 4 years, they already been trained with this arm equipment and all. But do you think that in future, after this 4 years, if they will be taken, their train actually will give them an opportunity to join any of this? That was my point. But anyway, you have given good clarification. Thank you. थैंक यू राहुल जी क्वेश्चन पूछने के लिए. कृपया और भी किसी भी सज्जन का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. 5 मिनट है हमारे पास. आई थिंक किसी ने और हैंड रेज किया था. किसी के क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए. जी शुभ प्लीज. यस एम आई ऑडिबल. या या या. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू आस्क द क्वेश्चन. माय क्वेश्चन बेसिकली वाज रिगार्डिंग टू द पीपल्स, दोस 75% पीपल्स हु विल बी रिलीज्ड आफ्टर देयर 4 years of service. I really want to know about, is there any provision given by defense services in regarding to the Agnipath scheme that after 4 years of their service completion, they will be given an equivalent degree in any discipline regarding graduations? Because as far as their age is concerned, after their retirement, they will be having an age like 25, 26. So they will not able to complete their graduation after that because due to social responsibilities and other things. Mm-hmm. So government is giving any other graduation degree or equivalent, we can say, to them any skills. Is there any provision in the Agnipath scheme about that? Please answer any questions. जी एक्चुअली अग्निपथ स्कीम जो है उसके अंडर में जो सेना है उसके द्वारा यह नहीं कहा गया है कि 4 साल बाद जब रिटायरमेंट होगी, जब एक सैनिक जो है वो बाहर की तरफ आएगा, उसे नौकरी कहाँ मिलेगी. पर्टिकुलरली इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके थ्रू कुछ ना कुछ 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 एक्शन लिया गया है. जैसे बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें आगे चल के जब अपने 4 साल की सर्विस को कंप्लीट करेंगे तो उन्हें सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस जो है यूपीपी हो गया और स्टेट पुलिस जो है, इन्हें वरीयता दी जाएगी. उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल में जो उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखिए ये जो है स्कीम का शुरुआती चरण है, अभी बहुत सारी बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये जो चीजें अभी शुरू शुरू निकल के आ रही है, पॉसिबिलिटीज इस बात की है कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में या 2 सालों में सरकार इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट करेगी और ज्यादा स्कीम्स लेके आएगी, और चांसेस है इस बात की कि सरकार जो है और भी दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ मिलके जो है जो अग्निवीर हैं उनके लिए कोई एक परमानेंट जॉब्स के लिए या फिर कुछ ऐसे वर्क के लिए जो है कोलैबोरेशन कर सकती है या फिर उनके लिए चांसेस प्रोवाइड कर सकती है। जी धन्यवाद शुभम जी, आई होप आपका जो है आंसर आपको समझ में आ गया होगा, और भी किसी का अगर क्वेश्चन हो तो वो कृपया। आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन Shubham, so Shubham, can you clarify this phrase that scientifically which is correct, that might be sometimes politically may not be correct, and if the politically whatever the government is taking action which scientifically may not be correct, because I would give you here the examples of your this hydro diplomacy of your this dispute regarding this Tista water, where the government policy actually came up and which actually scientifically is not feasible at all. And similarly, if I will relate this with the present Agnipath scheme, politically government actually they have taken a very good steps, but if scientifically we will analyze this, then we having a many more this pros and cons as well. So would you highlight this particular phase that a scientific and political aspects as far as policy is concerned? सर एक्चुअली में जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं सर उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो सर वो कई एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया उन्हें फेवर करेगी, या फिर चांसेस है कि एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए वो जो फेवरेबल नहीं होगी। यहाँ पर अगर सर हम देखें तो जो स्कीम लाई गई है उसके तहत कहा गया है कि हम लगभग 50,000 जो लोग हैं या फिर 50,000 जो सोल्जर्स हैं उन्हें हम भर्ती करेंगे। साधारण सी बात है सर, अभी जिस तरह से हमारे देश में इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई है हमारे देश में दुनिया में, तो यहाँ पर सर एक सबसे बड़ी बात जो ये आ जा रही है कि क्या जो युवा है उन्हें कोई एक रोजगार का अवसर प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम सर बहुत सारे सेक्टर्स में देख रहे हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। कोविड काल में सर ऑलरेडी हमारे देश में 2.5 करोड़ जॉब्स जो है ऑलरेडी जा चुकी है, नई भर्तियां नहीं आ रही है, तो सर वहां पर ये जो फैक्टर आया हुआ है ये एक रिलीफ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो सेना सर, जैसा कि हमारे दिवंगत श्री बिपिन रावत जी ने कहा है कि सेना एक अर्निंग फैक्टर नहीं है, एक जॉब नहीं है सेना, यह जो है एक भावना है जहां पर आप देशभक्ति की भावना से आते हैं और देश की सेवा करते हैं, तो ये फैक्टर यहां पर इन्वॉल्व हो जा रहा है सर। तो सरकार इसको जो है एक फाइनेंशियल टर्म में इंक्लूड कर रही है जबकि एक फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। तो सर मतलब मुझे जो बात समझ में आती है वही है कि यही ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों चीजें जो है ये क्लैश कर रही हैं। एक फैक्टर में तो ये बहुत सारी युवाओं के लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप में अगर हम सोचते हैं तो हमें यही पता चलेगा कि हम अपनी जो कंट्री है हमारी, हम उसकी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम देख नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम देख रहे हैं एक साइड चाइना है और दूसरी साइड पाकिस्तान, हम वॉर में इंक्लूड हो चुके हैं। तो वहां पर अगर हम सर ऐसी स्कीम्स के थ्रू अगर हम अपनी स्ट्रेंथ वगैरह को कम करते हैं तो हो सकता है अगर फ्यूचर में हमें टू फ्रंट वॉर झेलना पड़े और आने वाले 10 सालों के भीतर ही, और वहां पर हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो कुछ इस टाइप की रहे कि अधिकतर हमारे जो सैनिक हो वो नए टाइप के हो, तो वहां पर सर हो सकता है कि हमें एक हार झेलनी पड़े। लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो अभी जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी का माहौल है और दूसरी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, तो इस एस्पेक्ट से गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है जहां से ज्यादा जो युवा हैं उन्हें जो है एक लिविंग फैक्टर, एक लिवलीहुड जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। थैंक यू सर। ऑलराइट, please ask Ankita, I think you have a question.
anyone can ask. Please ask. So I would like to go. Yeah. So my question is, aren't we just too focused on the job prospect of army? Rahul, kripya question ko le. राहुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अभी अग्निपथ जो स्कीम आई है उसके ऊपर लोग ज्यादा पोलराइज्ड हो चुके हैं, आई थिंक, मेरे को लगता है, रादर देन नोइंग द डिटेल्स, रादर देन नोइंग द बेनिफिट्स, दे आर जस्ट टू मच फोकस्ड ऑन द जॉब फैक्टर एंड नेगेटिविटी. आपको क्या इस बारे में क्या लगता है? क्योंकि जॉब्स के प्रोस्पेक्ट तो सर मतलब बाहर भी आपको मिलेंगे. मैंने भी कॉर्पोरेट में जॉब किया है और मेरे को लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले यू कैन अर्न ट्वाइस और थ्राइस इफ यू आर गुड. सो एट द एंड इट्स अबाउट गेटिंग स्किल्स, बी एबिलिटी, द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल एंड हैव अकाउंटेबिलिटी. डेफिनेटली, बट सी इन अ ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट कंट्री लाइक इंडिया, यू हैव टू सी द कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि स्कीम जो है सेना ने अपने फायदे के लिए बनाई है. बिकॉज इवन इन प्राइवेटली ऑफिसर्स हैव टोल्ड अस कि देखो आजकल जो जवान आते हैं अगर वो परमानेंट सर्विस वाले हैं उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है. दिस इज व्हाट दे टेल अस इन आवर डिफेंस ग्रुप्स जो है हमारे अलग से जो है. तो ये जो चार साल के लिए बंदे आएंगे इन्हें इतनी कोई नॉलेज या कॉन्फिडेंशियल डाटा का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तो इनसे काम करवाना आसान होगा, ये उनका पर्सपेक्टिव है. ठीक है, वरना जैसे हम लोग एमए डिफेंस के स्टूडेंट है, डिफेंस स्टडीज के सारे, सो दे कुड हैव रिक्रूटेड अस इन सम स्कीम्स और सो, बट वैसा नहीं हो रहा है. सो उन्होंने सोच समझ के अपने बेनिफिट के लिए और कॉस्ट कटिंग के लिए ये स्कीम्स बनाई हैं. दूसरी बात, आपने जो कहा एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट, इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज जो फौजी भी रिटायर हुए हैं वो काफ़ी लाखों में कमा रहे हैं कॉरपोरेट्स में जाके. कई ऑफिसर्स हैं जिनकी खुद की कंपनियां हैं, डिफेंस में काम करती हैं. जब 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो इंडियन आर्मी की टेक्निकल यूनिट्स में बहुत बंदों ने रिजाइन किया और कॉरपोरेट्स ज्वाइन किया. तो हमारा टेलीकॉम सेक्टर पायलट्स एयर फोर्स में भी केस हुआ था सर, ये कि पायलट्स वर रिटायरिंग टू अर्ली एंड वो कुछ हेल्थ का फैक्टर बता के और उसके बाद वो अपना प्राइवेट एयरलाइंस ज्वाइन कर रहे थे सर, बिकॉज़ एवरीवन नो कि यहां पे इनिशियल सैलरीज कैसी होती हैं, ऑलमोस्ट 4 times लेस होती हैं किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस से. राइट, तो बट अब देखिए वो ऑफिसर लेवल पे हो रहा है, एक जवान की जिंदगी कैसे होती है. आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर और उसकी ऑफिस में कोई क्लर्क है, तो वो उतना बड़ा फर्क है, वो उतना एक्सपोजर, उस तरह के कॉन्टैक्ट, उस तरह के लोगों में उठना बैठना, वो एक बंदे की पर्सनैलिटी जो बनती है, तो काफी ज्यादा फर्क है जवान और ऑफिसर के बीच. तो ऑफिसर्स को तो बाहर स्कोप मिल जाता है. अब इसमें अग्निवीरों के लिए एक स्कीम ये लोग ये कर सकते हैं कि दे ऑलरेडी हैव अ डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट करके, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जवान और ऑफिसर्स को आगे जाके हेल्प करता है रिटायरमेंट के बाद. तो अग्निवीरों को अगर उनके अंडर ले लिया जाए, ऑफिशियली आप उन्हें कंपनीज के कॉन्टैक्ट दे, जैसे आज शायद कल ही फाइनेंस सेक्रेटरी ने बात किया बैंक्स के साथ और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ कि भाई इन लोगों का आगे कैसे होगा. तो ये जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, और ये सब कब करना होता है, पॉलिसी अनाउंस करने से पहले, ये नहीं कि लोग दंगा फसाद कर रहे हैं देन यू ट्राई टू रिस्पॉन्ड. तो दिस हैज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. वी हैव अ डीजी रीसेटलमेंट का ऑफिस हर जगह पर है, तो उसके तहत अगर आप इनको 4 साल बाद एक गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं ना कॉर्पोरेट में, वैसा अगर आप प्रोवाइड करें तो गुड इनफ. अदरवाइज इट विल बी अ वॉलेटाइल पॉपुलेशन. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया कि दे मे हैव नॉलेज ऑफ वेपन्स एंड ऑल, और अगर खाली दिमाग है तो फिर शैतान का घर है, मिसयूज भी हो सकता है. तो इस टैलेंट पूल को सर फिर वो तो एथिक्स और ट्रेनिंग हम ठीक से एम्बाइब नहीं कर पाए शायद उनके अंदर, ये तो उसका फैक्टर होगा. एक वो भी होगा, बट इफ यू टेल मी लाइक 40,000 का मान दीजिए आप, कितना 75% लोग बाहर आ रहे हैं, लगभग 25-30,000 मान लो, हाउ विल यू वेरीफाई एंड हाउ विल यू पुट इंटेलिजेंस ऑन ईच वन ऑफ देम कि कौन कहां जाके क्या कर रहा है. तो जो भी करना है विद इन 4 years यू हैव टू एंश्योर, राइट? सो दोस 4 years विल बी इम्पोर्टेंट, स्पेशली पहली बैच के केस में, एंड मोर सो इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, इनका आगे प्रोस्पेक्टिव क्या होने वाला है. सो ये एक एस्पेक्ट है. थैंक यू सर. So I have one question. May I ask now?
is my voice is audible? Sure. Prithvi, you sure, can sure. You can ask. Yes, sir. So my question is here that everyone is talking about the scheme and what is happening currently, just like youth are doing non-violence everywhere. But we are not thinking about that. We are not even taking care of that. Those individuals who have already gone through a process of army, they got selected. After that, they passed the medical. No such thing. Not even army have talked about. No defense minister regarding what will happen to those. What will they go through? They just brought one scheme, Agnivir. So it will be very bad for them also. So my question here is that why the government is not talking about them? Just bringing those, bringing the scheme and not just talking about those one also. Prithvi, just unmute you, please. Please ask your question, Rahul ji or Shubham ji. Rahul ji, आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. Ankita, can you please reframe and re-ask your question? मुझे आधा ही समझ आया. आप exactly क्या पूछना चाहते हैं? Yes, sir. I'm talking here that the government has bring the scheme Agnivir, as we all know that. But the fact is, the students who got individual who got selected here in in the past bharties, their medical has been done. They are remaining with just a written examination or something else. But the means that they are not going to. The government is not talking about them. That what will happen to those? They just bring the new scheme, and just telling that only 46,000 individual are going to select. You can see here that the government here is some mismanagement is definitely going to happen, is going through, and that is a little bit of problem to the nation right now. See, as defense students, we usually don't make political comments, but as I told you initially, this government overall, if you see any scheme, whether it was the Shaheenbagh riots or whatever, the CAA, NRC and all, they have been lacking on communication. You just cannot one day announce on Twitter ki haan, aaj se ye policy change ho rahi hai. That is what they did in Agnipath. Yes. Then they had a press conference by Shri Rajnath Singh. So when you announcement aap kab karte ho, jab background mein sab kaam ho chuka hai. Yahan par har koi naye din naya niyam aa raha hai. Jaise pandemic ke time ho raha tha na. Every day there was a new advisory, new rule. That is a communication gap. We can't speak for them, we can't punish them. They should have done it pehle hi. अभी एज एक्सटेंशन दिया है कि जिन बंदों का पहले ही भर्ती का एग्जाम हो चुका है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है स्पेशली, दे आर गेटिंग एन एक्सटेंशन कि 23 तक आप अप्लाई कर सकते हो. बट यही बात पहले बता देनी चाहिए थी. पहले इस पर क्लैरिटी होती कि जो ऑलरेडी 2019 और 2020 फरवरी तक लॉकडाउन लगने से पहले जिनके रिजल्ट्स आ गए, उन्हें अकोमोडेट कहाँ किया जाएगा. इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है. आपकी बात सही है. सो दैट इज फ्रॉम द कम्युनिकेशन साइड. उनका हम कुछ नहीं कर सकते. That is a legitimate thing that can be taken to the court, and there you can hold the government accountable. कि ये मेरी मार्कशीट है, अब इसको लेके कहाँ जाऊँ? So that has to be done. Instead of that, people are now burning trains and all. Yes. That's not going to help. You have to ask the right questions at the right time to the right authority. तब सही जवाब आएगा. बाकी चीजों से तो नहीं मिलेगा कुछ. Yes, sir. Thank you for asking your question. And thank you, Rahul. I think. जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े, उन्होंने काफ़ी अपनी बात रखी और हमारे गेस्ट स्पीकर के सामने, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश की गई हमारे गेस्ट स्पीकर्स के द्वारा. और आज का जो सेशन था अग्निपथ स्कीम और आधुनिक सेनाओं का जो सॉरी भारतीय सेनाओं का जो आधुनिकीकरण हो रहा है और नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं, डिफेंस रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, तो ये आई थिंक एक घंटे होने को है और काफ़ी इस पे हम लोग ने डिस्कशन किया. और आई थिंक आई होप ये जो है
पूरा सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और ऐसे ही हम लोग डिस्कशन आगे भी हम लोग रखेंगे। इसकी जो रिकॉर्डेड सेशन की जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड स्टडीज पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और साथ ही साथ राहुल जी का भी जो चैनल है नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। और ये दोनों चैनल है और ज़्यादातर लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से ही हैं, और काफ़ी कुछ हमारे साथ सीनियर्स भी जुड़े हैं, कुछ हमारे प्रोफेसर भी जुड़े हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और क्लोज करने से पहले, हाँ देखिए, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट या सच नहीं कर रहे हैं, बट प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम अ रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली 15 साल के बाद एज एन ऑफिसर रिटायर होना इज मच बेटर देन रिटायरिंग एज अ जवान आफ्टर 15 और 20 इयर्स। सो माय एडवाइस फॉर कैंडिडेट इज डोंट गो फॉर जवान एंट्री और जेसीओ एंट्री, भाई ऑफिसर एंट्री पर फोकस करिए। हाँ, प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, OTA IMA स्टफ, बट 15 साल बाद कैप्टन मेजर बन के रिटायर होना और एक सूबेदार बन के निकलना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो, वॉलेंटरी है, दे आर नॉट फोर्सिंग यू टू ज्वाइन। जैसा प्रीवियस स्पीकर ने कहा, कॉरपोरेट में हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका स्किल दिखाओ और आप सैलरी पकड़ो, ये दो ही चीज़ें फंडा है कॉरपोरेट में, स्किल ज़्यादा पैसा ज़्यादा, ठीक है। तो करियर के बहुत ऑप्शन हैं, उसमें भी टॉप पे फोकस करो, क्योंकि जो पहाड़ होता है ना, टॉप पे हमेशा वैकेंसी होती है, नीचे आपको भीड़ मिलेगी। 46,000 अग्निवीर बोला है ना कि हर साल लेंगे, ऑफिसर कितने लेते हैं हर साल, मैक्सिमम 5,000-10,000। एम फॉर द टॉप एंड यू विल हैव अ गुड टाइम इन योर करियर, ठीक है। इन एनी वे सर, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो कहीं भी जाएंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये माइंडसेट होना चाहिए सर। And I totally agree with Rahul also. And thank you so much, Rahul, Subham, and Prithvi for enlightening us. For thank you. Good. This. मैं एक फाइनल बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है जब से ये मतलब नई स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी बातों को लेके। तो इसमें एक पर्सपेक्टिव हम ये भी दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 25% को परमानेंट करेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 25% हैं। जिस तरीके से हम क्लास में या फिर कहीं पर भी हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो वहां पर भी रहता है कि एक IAS का एग्जाम कई लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन उसमें भी एक रहता है कि 1000 के अंदर जिनकी रैंक होगी वही IAS पीसीएस बनेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी रैंकिंग जो है 1000 के अंदर ही है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव यही है कि हम कोशिश ये करें कि 25% के अंदर जो है सिलेक्शन हो, 25% के हम अंदर आए और आगे चल के हम देश की सेवा कर सकें। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने शुभम जी, और राहुल जी से भी मैं सहमत हूँ बिल्कुल, कि हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करें, भीड़ का हिस्सा ना बने, और हमेशा क्योंकि अब भीड़ के अगर हिस्सा बनेंगे तो उसी भीड़ में रह जाएंगे, हमेशा उनसे हट के आगे बढ़िए और हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये जो सेशन था हम लोगों ने अभी, हम सभी पहला आई थिंक ये हमारा पहला सेशन है ऑनलाइन, और हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की है कि इस सेशन को काफ़ी अपना एक फ्रूटफुल बनाया जा सके और एक नॉलेजफुल हो आप सभी के लिए, और हम लोगों ने कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ अगली भी जब भी हम लोग इस तरह के मीटिंग आयोजित करेंगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले ही, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये मीटिंग आयोजित किया गया है। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, और जी बिल्कुल मैं एक दिन पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसी के साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। Thank you for joining us. Thank you all. Thank you, Prithvi. Thanks a lot. Thank you, Prithvi. Thank you, Raj. Yeah, Shubham. Thanks a lot for being there.